हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइलिश मॉम फॉरएवर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको संतरा खाना चाहिए या फिर नहीं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कितनी क्वांटिटी में इसको खाना चाहिए, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें कब से संतरा खाना स्टार्ट करना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि जो संतरा होता है वो विटामिन सी का जो है बहुत ही रिच सोर्स होता है, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे संतरा खाना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे बोन्स के लिए, इन सब हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप संतरे का सेवन प्रेगनेंसी के टाइम में करते हैं तो इस टाइम पर भी आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं और आपकी स्किन का जो ग्लो है वो बरकरार रहता है। विटामिन सी की वजह से आपके स्किन में किसी भी तरह की ड्राइनेस नहीं आती है। विंटर्स में ही ज़्यादातर संतरे मिलते हैं, तो जैसे ही सर्दियों का टाइम शुरू होता है आपकी स्किन पे ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, वो भी विटामिन सी की कमी के कारण ही आती है। तो अगर आप संतरे को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको अपनी स्किन पे जो ड्राइनेस है वो भी देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमें किस टाइम से प्रेगनेंसी में संतरा खाना स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है क्योंकि संतरा किसी भी तरह से आपकी प्रेगनेंसी को हार्म नहीं करता है। तो आप अपने अर्ली स्टेज से भी संतरा खाना स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपको डिलीवरी तक भी मार्केट में संतरे अवेलेबल हैं तो आप उसको खा सकते हैं। तो संतरे की वजह से किसी भी तरह का नुकसान आपके बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप उसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। अब जो अगला सवाल हमारे मन में आता है वो ये है कि हमें संतरे को ऐसे ही खाना चाहिए या फिर उसका जूस निकाल कर पीना चाहिए। तो संतरे को आप किसी भी तरह से खा सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है ऐसे ही संतरा खाने का तो आप ऐसे ही खा लीजिए, और अगर आप उसका जूस निकाल के पीना पसंद करते हैं तो आप जूस निकाल कर पी भी सकते हैं, उसमें भी किसी तरह का कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेफर करें कि आप पूरा संतरा ऐसे ही खा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अगर आप उसका जूस निकालते हैं तो उसका जो फाइबर पार्ट है वो निकल जाता है, तो वो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता है। तो आप अगर प्रेफर करते हैं तो ऐसे ही पूरा संतरा खा लें, उसको जूस निकालना अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि जूस पीना ज़्यादा हेल्पफुल है या फिर ज़्यादा ईजी है, तो आप उसका जूस निकाल कर ही पी सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे अक्सर आपको वोमिटिंग का इशू रहता है, तो अगर आप ऐसी खट्टी चीज़ें जो कि विटामिन सी से युक्त होती हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो मॉर्निंग सिकनेस का जो इशू है या फिर वोमिटिंग जो आपको बार बार आती है उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगला जो पॉइंट हमारे मन में आता है वो है कि आपको कितनी क्वांटिटी में संतरा खाना चाहिए। देखिए, अगर खाने की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, यानी किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो खतरनाक ही होती है। तो चाहे संतरा वैसे उसका कोई नुकसान नहीं है आपकी सेहत पे, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर देते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं होता है, आपको किसी तरह से उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो वो उल्टा आपको ज़्यादा नुकसान करने लग जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लिमिट में लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको हार्म करेगी, चाहे वो रोटी ही क्यों ना हो, चाहे वो सब्जी ही क्यों ना हो। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको डेली बेसिस पे एक संतरा खाना है। आपका अगर मन है किसी दिन स्किप करने का तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वीक में दो या तीन बार भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डेली ही खाना है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके मन पर, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपके हार्मोन चेंज होते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो आपका कभी कुछ खाने का मन करता है और कभी नेक्स्ट डे उसी चीज़ से आपको इतना ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है, उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा चढ़ने लग जाती है कि आपका वो खाने का मन नहीं करता है। तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको रोज़ खाना है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप खाएं, अदरवाइज़ आप डेली कोई ना कोई फ्रूट चेंज करते रहें और अपना रूटीन बना लें कि आज मुझे सेब खाना है, आज मुझे ऑरेंज खाना है, तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं। और अगर आपको फलों को खाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक मिक्स फ्रूट चाट बनाकर भी खा सकते हैं।
प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप संतरे को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो बच्चे के डेवलपमेंट में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को ब्रेन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें भी संतरा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार क्या होता है, बच्चे को ब्रेन से रिलेटेड या फिर स्पाइन से रिलेटेड कोई इशू हो जाता है, तो उसमें भी संतरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको इसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और अगर आप खा सकते हैं तो डेली एक संतरा खाने की कोशिश ज़रूर करें। प्रेगनेंसी में ऑरेंज खाने से आपको फोलेट मिलेगा, जिससे कि बच्चे को न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में संतरा खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बच्चे को ब्रेन से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, स्पाइन से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आप संतरे का सेवन डेली बेसिस पे करते हैं तब। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे फ़ायदे की, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी से युक्त होता है संतरा, तो अगर आप इसको लेते हैं तो इससे आपकी स्किन का ग्लो बना रहता है और आपके जो हेयर वगैरह हैं उसमें भी शाइन रहती है, तो इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। ये बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तीसरे अगर हम फायदे की बात करें तो वो है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको बार बार किसी भी तरह की खांसी या जुकाम की परेशानी ना हो। जैसे कि सर्दियों का मौसम आता है तो आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, लेकिन अगर आप संतरे को डेली खाते हैं तो आपको सर्दी और खांसी बार बार नहीं होती है, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगली बात करते हैं, अगला जो फ़ायदा है इसका वो है कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, तो अगर आप अपने डेली रूटीन में विटामिन सी को ऐड करते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बार बार बीमार पड़ना सही नहीं माना जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अगले फ़ायदे के बारे में, तो वो है कि आपको संतरे में बहुत ही अच्छी अमाउंट में आयरन मिल जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी बॉडी में आयरन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो जब आप विटामिन सी लेते हैं तो आप अगर आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा फूड खाते हैं जिसमें आयरन होता है तो वो उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो विटामिन सी की वजह से आपकी बॉडी में अच्छे से आयरन जो है एब्जॉर्ब होता है, जिससे आपका जो ब्लड है वो अच्छे से बनता है और उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसी के साथ साथ संतरे में जो है वो जिंक भी पाया जाता है। आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे जिंक की भी ज़रूरत होती है, तो अगर आप संतरे को खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी में जिंक भी बना रहता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अक्सर ही हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है, तो अगर आप संतरे को खाते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन का इशू भी सॉल्व होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि आपको संतरा कब नहीं खाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बात की कि आपको संतरे को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, आप डेली के 2 संतरे तक खा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको रात के टाइम पे संतरे को खाना अवॉइड करना है। संतरा खाने का जो सबसे सही टाइम है वो दिन का टाइम माना जाता है, और वो भी सुबह का टाइम। अगर आप सुबह सुबह संतरा खा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात को संतरा खाने से बचें। इसी के साथ साथ अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको सर्दी या खांसी की प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे भी आप संतरा खाना अवॉइड करें, क्योंकि वो खट्टा भी होता है और ठंडी तासीर का भी होता है, तो जैसे ही आपका कोल्ड या कफ का जो इशू है वो सॉल्व हो जाता है उसके बाद आप संतरे को खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि संतरा खाने से माँ और बच्चे दोनों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चे के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ ये मेंटल हेल्थ को भी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई होप आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और ये आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।